नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। मैं हूँ भास्कर लिंगम। हम मौजूद है इस वक्त जू बीच पर। आप जैसे देख सकते हो जू बीच पर यहाँ पर लोग मौजूद है। जैसे आज राज्याभिषेक दिन के अवसर पर सकल मराठा समाज द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया, तो हमारे साथ यहाँ जो सकल मराठा समाज गोरेगांव के मेंबर्स हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सर्वप्रथम सर्व उपस्थितांना आणि श्रोत्यांना जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। मुंबईच्या महाराष्ट्राच्या मराठमोळ्या मातीत असल्यामुळे मराठी बोलतोय, हिंदी में ही भाई आपको समझा दूंगा। सकल मराठा समाज गोरेगाव, मराठा समाज की जो पहचान है 350 सालों पहले से शिवाजी महाराज के नाम से सारी दुनिया जान रही है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जानता है। उन्हीं महाराज का आज ही के दिन 350 साल पहले राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि वो महाराज राजा बने थे। उस दिन का ये मौका है जिसे बड़े पैमाने पे पूरे महाराष्ट्र में और तमाम हिंदुस्तान में मनाया जाता है। उसी तरफ से हम लोग गोरेगांव मराठा समाज की ओर से पिछले 4 सालों से जुहू चौपाटी के इस महाराज के अश्वारूढ़ प्रतिमा के सामने इस मौके को बड़ी प्रेरणा से और उत्साह से यहाँ पे बड़े जल्लोष में इस मौके को हम लोग मनाते हैं धूम से। आज फिर एक बार हम यहाँ पे आए हैं। मराठी तो एकदा सांगू इच्छितो तमाम शिवभक्तांना, गेली 4 वर्ष सतत सकल मराठा समाज गोरेगाव यांच्यातर्फे जूच्या या अश्वारूढ पुतळ्याजवळ सकल मराठा समाज गोरेगाव यांच्यातर्फे शिवराज्याभिषेक सोहळा मोठ्या धिमाकात साजरा होतो। याही वर्षी मोठ्या जल्लोषात आज या करोनाचे निर्बंध सैल झाल्यानंतर पूर्णपणे मोठ्या जोशामध्ये येथे साजरा करण्यात आला। आताच आपण बघितलं असेल ढोल ताशांच्या पथकांची सलामी, तुतारीचं वादन, वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम, मान्यवरांची उपस्थिती आणि सर्व कायद्याच्या चौकटीत राहून शिस्तीचं पालन करून आज हा कार्यक्रम आम्ही इथे साजरा केलेला आहे। तमाम शिवभक्तांचं या कार्यक्रमाला सहकार्य लाभलेलं आहे। त्याचप्रमाणे जूला इथे येणारा बालगोपाळांचा अथांग जनसागरही साक्षी होता या आजच्या क्षणाला। जू आणि सांताक्रूझ पोलीस स्टेशन, त्याचप्रमाणे एअरपोर्ट अथॉरिटी यांनीही चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलं। महाराष्ट्र शासनाने आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनेही चांगलं सहकार्य केलं। त्यांचेही मनपूर्वक धन्यवाद आम्ही मराठा समाजातर्फे येथे व्यक्त करतो। आपले प्रेम जिव्हाळा आपुलकी असंच राहू द्या आणि उत्तरोत्तर आमच्या हातून अशीच कार्य पुढे मोठ्या जोशात आणि जल्लोषात साजरी होत जाऊया, ही शिवरायांच्या चरणी प्रार्थना करून आपण आपली येथे रजा घेऊया। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाय। लॉकडाउन में जैसे लॉकडाउन में कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो इस बार किस तरह का उत्साह देखने मिला आप लोगों को? जैसे लॉकडाउन में कार्यक्रम नहीं हुआ ऐसा नहीं, लॉकडाउन में भी प्रतीकात्मक तरीके से हमने ये कार्यक्रम को अखंडता से इसको इसी जगह पे मनाया था बड़े जल्लोष में। जोश थोड़ा कम था लॉकडाउन की वजह से, कुछ निर्बंध थे उसका पालन करते हुए प्रतीकात्मक पूजा अर्चाएं की गई थी, लेकिन इस बार का उत्साह जरा ज़्यादा ही जोश वाला है। जू बीच जो हमेशा हरा भरा रहता है, बच्चों की छुट्टियां है, बाल गोपाल यहाँ पे धूम मचाने के लिए आया करते हैं, उनके लिए भी आज ये एक पर्वणी जैसे रह गई है। उनके लिए भी एक अच्छा सा मौका मिल गया है यहाँ पे जल्लोष मनाने का, उन्होंने भी काफ़ी सारा आनंद लिया है। उनको भी मैं सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज के कार्यक्रम इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आपके संस्था द्वारा, और जैसे कोविड में इतना उत्साह नहीं था, जैसे कोविड में निर्बंध का बहुत सारा जो रूल्स जो लॉकडाउन का जो गाइडलाइंस है, लेकिन अभी जैसे कोविड का गाइडलाइन नहीं है इस साल, तो कैसा रहा? हमने गए साल भी तो अच्छी तरह से मनाया था, भले कोविड का भी काल हो लेकिन हमने मनाया था। ये साल उससे डबल तरीके से हमने मनाया गया है, और ये टाइम हमने पब्लिक का ज़्यादा सपोर्ट हमको मिला हुआ है, क्योंकि गए साल पब्लिक बहुत कम बाहर निकल रही थी। हमने सुबह के टाइम में प्रोग्राम रखा था और हमने हमारे तरह से सब तरीके से हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया था। ये साल ज़्यादा से ज़्यादा कि पब्लिक भी बाहर की पब्लिक है, हमारे गोरख की पब्लिक भी यहाँ पर आई हुई है, और अच्छे तरह से हम लोग यहाँ पर ये जल्लो से मनाया गया प्रोग्राम है हमारा। हा जो आम्ही कार्यक्रम करतो आहे, आमचं 4th वर्ष आहे। आम्ही मुंबईमध्ये हा प्रथमच आम्ही सुरुवात केलेली या कार्यक्रमाला। गोरेगावमधून भरपूर आपल्या सकल मराठा समाजाचा आम्हाला खूप म्हणजे पाठिंबा मिळतो आणि आम्ही सगळे मिळून हा कार्यक्रम एकत्र साजरा करतो। यहाँ पर जो सारे सकल मराठा समाज के लोग हैं, उन्होंने बताया किस तरह से आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे उत्साह में मनाया गया। नितिन के साथ मैं भास्कर लिंगम, देखते रहिए दैनिक कैप्चर न्यूज़।